वो मर गई क्या? मरी नहीं है, इंजेक्शन दिया है, जस्ट बेहोश होकर पड़ गई है। एक घंटे तक नहीं उठने वाली, बॉस के पास जल्दी लेकर जाना। कौन थे वो लोग? मुझे नहीं पता, मैं तो पैसे देकर अपने फोटोज लेने आई थी। तुम पागल हो गई हो? अगर मैं टाइम पर नहीं आता तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती पता है? अरे वो लोग कहीं भी बुलाएंगे और तुम चली जाओगी। जाना पड़ेगा, मजबूरी है, कोई रास्ता नहीं है, किस्मत ही खराब है। पागल हो गई हो क्या? तुम्हें कुछ होना चाहिए ये सोचकर मुझे आजकल नींद नहीं आती। तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? और तुम कौन होते हो मेरे काम में दखल देने वाले? फॉर गॉड सेक मेरी जिंदगी में इंटरफेयर मत करो। मैं मरूं तो मरूं, तुम्हें से क्या? शट अप। सॉरी प्रेमा, आई एम सॉरी, वेरी सॉरी, लेकिन ये कुछ ठीक नहीं हो रहा है। एक बार सोच कर देखो, एक पुलिस ऑफिसर की बेटी होकर इतनी मामूली बात से डर क्यों रही हो? और ऐसा क्या है इस फोटो में जो तुम्हारे डैड देख लेंगे तो भूचाल आ जाएगा? प्रेमा को परेशान क्यों कर रहा है? मैं प्रेमा को क्यों परेशान करूंगा? तुझे कुछ नहीं पता? ये क्या क्या बातें बताइए? उसे परेशान नहीं करता। प्लीज आखिर बात क्या है बताइए ना। ये क्या है? ये सवाल तो मुझे तुझसे करना चाहिए। सच कह रहा हूँ, इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। उस दिन प्रेमा के साथ जो हुआ उसके बारे में सिर्फ तुझे पता है, और तू कह रहा है कि तुझे नहीं पता। तो बता फिर ये फोटो कहाँ से आया? अब इस फोटो के जरिए कोई प्रेमा को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। इस फोटो को पापा ना देख ले ये सोचकर बहुत डर गई है वो। उसका तो जीना ही हराम हो गया है सच में। कहीं वो गलत कदम ना उठाए सोचकर डर लगता है। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा, नहीं होने दूंगा ऐसा। प्रेमा मेरी जान है, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दो। ये सब कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, इसका पता लगा कर रहूंगा। अरे मरगो मरगो। कौन है बे तू? आदमी हूँ। सीधी तरह बता, उस लड़की को फॉलो क्यों कर रहा है? कौन है तेरे पीछे बता? मारे पीछे एक बस और तीन ऑटो रिक्शा। चौक मार रहा है, तेरे पास कोई फोटो है क्या? हाँ एक फोटो है सर। देखो कौन है ये? मारी घराई है सर। छी, ये नहीं और किसी का फोटो है? मैं शरीफ आदमी हूँ सर। सर सर क्या कर रहे हो सर? सर कुदकुदी हो रही सर। सर 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 के सर। ये क्या है? सोने की चेन है सर,
मेरी है सर। सच बोल रहा हूँ सर, चोरी को माल है। आ दो, आप रख लियो, आ दो, मने दे दियो। चल थाने चल, वहां सौदा करते हैं। मैं बेल पे बाहर आ रहा हूँ, मने जाने दो सर। सर मैं पैर पड़ू सर, माल आप ही रख लियो। हाँ रख लियो, रख लियो। शक्ल से पढ़े लिखे लगते हो, अकल नहीं है क्या? अकल तो है सर, दिमाग को नहीं। अच्छा इसलिए चोरी करते हो क्या? हाँ सर। नाम क्या है तुम्हारा? घर वाले राजाराम बोलते हैं और पुलिस वाले चैन राजा। तो चैन राजा सर, मारना मत। तुम कॉफी पीते हो या चाय पीते हो? मैं क्वार्टर पीता हूँ सर, फिलहाल चाय से काम चला लूंगा। थैंक यू बॉस। सर आपके पास मेरा माल सही सलामत है। अच्छा तुम बेल पर हो कह रहे थे ना, तो फिर पकड़े कैसे गए? अब क्या बताऊं सर, उस दिन वैलेंटाइन डे था। मैं अपनी घरवाली को गिफ्ट देने के लिए किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था। हमारी एक ही परेशानी है सर, जिस तरह तीर चलाते वक्त अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखाई देती है, उसी तरह मुझे सिर्फ चेन दिखाई देती है, औरत दिखाई नहीं देती। तुम स्टोरी बता रहे हो, सच्चाई नहीं बता रहे हो? सच्ची स्टोरी बता रहा हूँ सर। शाम का वक्त था, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ था। मैं मेरी मोटरसाइकिल पर तैयार बैठा था, एक सोने का हार मेरी तरफ चलकर आ रहा था। हाथ में जोर की खुजली हुई, मैंने क्लच दबाया, गियर बदला, एक्सीलेटर बढ़ाया, आगे निकल गया। ए जी, जी। अरुणा तुम अपने घरवाले की जरा भी कदर ना करते हुए मेरी घरवाली ने मुझे अंदर करवा दिया। अब वो कहां पर है? किसी और के साथ है, पर फोटो मेरे पास है। तुम्हारी स्टोरी में ट्विस्ट अच्छा था, चलता हूँ। सर मेरा माल दे दूंगा। कब दोगे सर? जब तुम मेरा काम कर दोगे तब। काम तो बता दो एक बार। करोगे तो बताऊंगा। बताओगे तो करूंगा ना। तुम जिसे फॉलो कर रहे थे उसे फिर से फॉलो करना होगा। उसकी चेन चुरा के आपको देनी है क्या? नो, वो लड़की कहाँ जाती है, किससे मिलती है, किससे बात करती है, वो पूरी डिटेल्स मुझे चाहिए। क्यों सर? क्योंकि वो मेरी होने वाली पत्नी है। मतलब आपको उस पे शक हो रहा है क्या? यस, फुल शक है। बहुत मजेदार केस है सर, समझ लीजिए कि आपका काम हो गया। बस मुझे मेरा माल दे दीजिए, आपका काम मैं फौरन कर दूंगा। पहले मेरा काम कर देना, फिर मैं तुम्हारा माल दे दूंगा। सर बातें बहुत हो गई, चलो नंबर नोट कर लो। आप होशियारपुर गांव से हो क्या? 9898। ब्यूटीफुल। ये कौन है? कहीं नया विलन तो नहीं है? हेलो सिस्टर, मैं राजू बात कर रहा हूँ, आप घर में नहीं हो क्या? मैं घर पे ही हूँ, क्यों? आपके घर में होते हुए भी प्रेमा बालकनी में ऐसी हरकतें करेंगी, सोचा नहीं था। राजू ऐसा क्यों बोल रहे हो? प्रेमा किसी अजनबी से हंस हंसकर बातें कर रही है, बहुत ही अजीब तरह से पेश आ रही है। छी छी, ये सब देखकर मुझे शर्म आ रही है। राजू वो लड़का कोई जादूगर लग रहा है और मुझे लगता है कि वही ब्लैकमेलर है। राजू जाइए, इन बेशर्मों को तमीज सिखाइए जरा। राजू वो मेरा भाई है। आपका भाई है? सॉरी सिस्टर, वो टेंशन में मैं कुछ ज्यादा ही बोल गया। कोई बात नहीं, थैंक्स सिस्टर। वैसे वो यहाँ क्यों आया है? एक रिलेटिव के यहाँ शादी है। ओह वंस अगेन सॉरी सिस्टर। अच्छा तो आपके इस भाई के बच्चे कितने हैं सिस्टर? बच्चे? उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। अच्छा रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। आपका भाई है मेरे लिए कसा ही है। हेलो, ये शर्ट प्रेस कर दो। आदमी टिंगू सा है पर तेवर करा रहे हैं। टाइम नहीं है, जरा जल्दी कर दे। सर आपका शक एकदम सही निकला, आपकी लड़की के साथ कार में कोई लड़का था। हाँ सर। हाँ सर, एक बात बताऊं, आपका पत्ता कट हो लिया सर। बोल सर, अपने मत देखो अब उसके। सर मोटरसाइकिल पे मजनू, उसका और पीछा करने। अरे वो मजनू मैं हूँ, आप बैग जल्दी से। ये पकड़। बैठने तो दो। थैंक यू। जाने के टाइम पे भी चेक करते हो सर? तुम कितने अच्छे हो। Hey Prema, how's this? ठीक है पर It's perfectly alright for them. What do you say? ओ
ओके फाइन। एक्सक्यूज मी। या हियर। मुझे ऐसी ही चीजें पसंद आती हैं। एंड यू नो मैं इतना ज्यादा रोमांटिक हूं कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? प्रेमा टेक माय हार्ट। आर यू मैड? जस्ट स्टॉप इट। क्या चाहिए सर? प्रेमा चाहिए।